60 दिन के लिए दिए गए हैं। पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी का फैसला वजीर दाखला चौधरी निसार की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। इजलास में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर जंजुआ और सेक्रेटरी दाखला के अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब, होम सेक्रेटरी, आईजी पंजाब और दीगर अफसरान ने शिरकत की। वजीर दाखला चौधरी निसार का कहना था कि इख्तियारात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 60 दिन के लिए दिए जा रहे हैं। रेंजर्स सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मान करेगी। वजीर दाखला चौधरी निसार का कहना है कि पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने की सिफारिश एपेक्स कमेटी की जानिब से की गई थी। उनका कहना था कि हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है और सूबों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पॉलिसी पर कारबंद है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों का ताकुब करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में मजबूत आसाब और कौमी यकजहती की जरूरत है।